यूपी में महिला कल्याण की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम महिला समाख्या की कार्यकर्ता भुखमरी की कगार पर है। इन महिलाओं को विगत एक साल से सैलरी नहीं मिली है, फिर भी ये कार्यकर्ता महिलाओं को जागरूक करने के लिए काम कर रही है। महिला समाख्या में कार्य कर रही हजारों कार्यकर्ताओं की स्थिति यहाँ तक पहुँच गयी है कि इन सभी के परिवार सड़क पर आ गए हैं। दरअसल मामला ये है कि महिला समाख्या कार्यक्रम महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित तो है, पर उसकी मुखिया स्मृति सिंह सरकार द्वारा नियुक्त नहीं है। वो कार्यक्रम की सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने का काम करती रहती है। ये बात महिला कल्याण विभाग के किसी अधिकारी तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार से क्या मांगे हैं? हमारा मानदेय 13 महीने से नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान, और इसके लिए हम लोगों ने कई बार प्रयास भी किया, सरकार के पास भी हम लोग कई बार गए। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि जो हमारा 13 महीने का मानदेय है उसका भुगतान किया जाए और हमारे महिला समाख्या कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाए, और जो हमारे डायरेक्टर हैं जो हमें बार बार पैसे के लिए परेशान कर रही हैं, आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, उनको हटाया जाए और उनके जगह नए डायरेक्टर की नियुक्ति की जाए। सरकार से हमारी मांगे यही है, जिसको कि हमारी मंशा है और हम लोग आस लगाए यहाँ पे इतने लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि सरकार हमारी मांगों को तत्काल सुने और इस पे तत्काल कुछ ऐसा कर प्रयास करे कि जिससे हम लोगों को सफलता मिले। हम लोग अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर आए हुए हैं अपने बच्चों को, तो कुछ हम लोग यहाँ आए हैं तो सफलता लेके जाए। यूपी सरकार के कानों तक महिला समाख्या में कार्यरत महिलाओं की बात और समस्याएं नहीं पहुँच पा रही है, जिसका नाजायज फायदा परियोजना की राज्य निदेशक उठा रही हैं। निदेशक द्वारा लगातार एक साल से महिलाओं को आश्वासन दिया जाता रहा है कि उनका वेतन मान जल्द ही दिया जाएगा, पर ऐसा करते करते लगभग एक साल से ज्यादा समय बीत गया है और महिलाएं बिना वेतन के एक साल से काम करती रहीं। अब स्थिति ये है कि इन महिलाओं को वेतन न मिलने के कारण इनके परिवार भुखमरी, लाचारी और समस्याओं से जूझ रहा है। महिलाओं की मांग ये है कि उनको वेतन दिया जाए जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। हमारा मानदेय 13 माह से नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग जब ज़्यादा कहते हैं तो DPC यही आश्वासन देती हैं कि अगले महीने में आ जाएगा। हम लोगों को यही आश्वासन दे करके बता दिया जाता है कि अगले महीने में आ जाएगा, लेकिन 13 महीने से 1 रुपया नहीं आया है। इन महिलाओं ने यूपी की महिला कल्याण निदेशक को पत्र लिखते हुए मांग की कि उन्हें वेतन दिया जाए। महिला कल्याण विभाग से कर्मचारियों ने गुहार लगाई है कि राज्य परियोजना निदेशक को तत्काल प्रभाव से हटाकर वहां किसी सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए। क्या है कार्यकर्ताओं की मांग? कर्मचारियों का कहना है कि राज्य परियोजना निदेशक द्वारा जो अनाधिकृत तरीके से वाह्य परियोजना को कर्मचारियों पर थोपा जा रहा है, उसे रोका जाए, कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए। और पैसे के अभाव में, पैसे की कमी में बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियों से हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, बच्चों के साथ झेलना पड़ रहा है, परिवार के साथ झेलना पड़ रहा है, और साथ में खुद अपना स्वास्थ्य खराब होने से, बिगड़ने के वजह से इलाज नहीं करा पा रहे हैं पैसे के कारण। आज पैसे के अभाव में इलाहाबाद से छाया पांडे सहयोगनी खत्म हो गई, शांति सहयोगनी आज मौत और जिंदगी के बीच में जूझ रही हैं। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगी? अपनी मांगों को तो लेके आएंगी यहाँ तक ये। कर्मचारियों को धमकी देना राज्य परियोजना निदेशक द्वारा बंद किया जाए, स्मृति सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाकर किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, कार्यकर्ताओं के परिवारों पर ध्यान देते हुए कृपा करके कर्मचारियों का वेतन दिया जाए जिससे उनका परिवार अकाल मृत्यु के शिकार न हो। HS न्यूज के लिए मधुकर वाजपेयी की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।